Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel study with Suman. Dear yes, students, in this video we will read chapter number five of class eighth English course book Honeydew of NCRT Petter. Chapter name is The Summit Within. We started this chapter in our previous video. Let's continue. Looking back, I find दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंड एवरेस्ट तो इस लेसन में मेजर आलू वालिया जो कि एवरेस्ट पर चले थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर तो आगे कहते हैं वो कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपनी लाइफ में तो मैं ये क्या पाता हूँ कि मैंने अभी तक इस बात को पूरी तरह से विस्तारपूर्वक नहीं बताया है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा मैंने क्यों चढ़ाई की थी इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ ये ऐसा एक प्रश्न के उत्तर देने की समान है कि आप सांस क्यों लेते हो वाई डू यू हेल्प योर नेबर आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो दिस नो फाइनल आंसर पॉसिबल इसके में कोई भी फाइनल यानी कोई भी अंतिम उत्तर जो है संभव नहीं है एंड देन देर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम और यह भी एक सच्चाई है एक फैक्ट है कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं एक शारीरिक काम नहीं है द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप वह आदमी जो माउंटेन टॉप यानी कि एवरेस्ट की बिल्कुल ऊपर चोटी पर पहुंच चुका हो बिकम्स कॉन्शियस उसे एक एहसास हो जाता है वो सचेत हो जाता है एक विशेष उसे एक एहसास हो जाता है इसका एक विशेष प्रकार की his ऑन smallness, कि वो इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने बड़े यूनिवर्स में कितना छोटा है यानी कि जब वो ऊपर चढ़कर देखता है तो उसके चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ विशाल क्षेत्र जो है उसे एहसास करवाता है कि वो कितना छोटा है और ये दुनिया ब्रह्मांड कितनी बड़ी है माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट किसी भी पर्वत पर कि एक पर्वत पर शारीरिक रूप से विजय प्राप्त करना कंक्वेस्ट मीन्स विक्ट्री विजय प्राप्त करना क्या है आपकी उपलब्धि का केवल एक ही हिस्सा है एक ही भाग है देयर इज मोर टू इट दैट इससे कुछ है followed by a sense of followed by मतलब इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है संतुष्टि की भावना फुलफिलमेंट आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ मैंने ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़ी है देर इज अटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अब सराउंड देर इज आर सेटिस्फेक्शन आपको अपने चारों ओर के वातावरण अबाउ वन सराउंडिंग अपने चारों ओर के वातावरण से ऊपर उठने टू अर्ज टू राइज यानी कि ऊपर उठने की जो भावना है उससे आपको बहुत ज्यादा संतोष मिलता है आप सेटिस्फाइड होते हैं इट इज दटोनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन अटोर्नल लव क्या है टनल बहुत ज़्यादा प्यार असीम प्रेम या मनुष्य के क्या है मनुष्य के क्या ही ये अटर्नल यानी कि असीम प्रेम का किसके लिए एडवेंचर के लिए साहसी कार्यों के लिए रोमांच के लिए अटनल प्रेम का सूचक है एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेअरली फिजिकल क्या ये जो अनुभव है उसका ऊपर चढ़ने का ये केवल शारीरिक नहीं है इट इज़ इमोशनल इट इज स्पिरिचुअल ये आध्यात्मिक है दैविक है और इमोशनल है ये भावनात्मक है इसमें मनुष्य की भावनाएं जो हैं इस चढ़ाई के साथ साथ जुड़ी हुई हैं नाउ कंसीडर आ टिपिकल क्राइम टिपिकल बहुत ही कठिन होते जो आप एक ऐसी चढ़ाई की कल्पना करो टूवर्ड समिट ऑन द लास्ट हाइट्स लास्ट हाइट्स यानी कि उस चोटी पर जिसकी आप उस चढ़ाई पर लास्ट आपका जो अंतिम प्रयास है अंतिम कोशिश है उस चढ़ाई पर चढ़ने की ऐसी आप एक कल्पना करो यू आर शेयरिंग अ रोप विद शेयर क्लाइंबर आप एक दूसरे जो चढ़ने वाला क्लाइंबर है यानी कि पर्वतारोही है आप उसके साथ रस्सी से आपने उसे पकड़ा हुआ है आप एक दूसरे से रस्सी से जकड़े हुए हो यू फॉर्म इन फॉर्म इन मजबूती से आपने इसे मजबूती से पकड़ रखा है ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस ही मतलब जो आपका साथी है वह हार्ड आइस उसको कठोर बर्फ में क्या करता है सीरे को काटता है मतलब आने के लिए रास्ता बनाता है देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे देन ही बिलेज बिलेज मतलब रस्सी एक जगह फिक्स करता है और इसे क्या करता है आपकी तरफ फेंकता है और आप एक एक इंच करके ऊपर चढ़ते हो यो वे आपको रास्ता बनाते हो द क्लाइम इज क्रेम ग्रेम मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है कठिन है यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि अपनी पूरी ताकत लगाना अपनी पूरी शरीर की ताकत लगाने का अपनी जो पूरा स्टेप आप उठाते हो अगला स्टेप उठाते हो तो उसके लिए आप पूरे शरीर की ताकत को लगा देते हो यानी कि अपने आखिरी जो, जो नर्व की ताकत है वो भी आप इसमें झोंक देते हो फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाई अदर्स फेमस क्लाइंबर्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं उन्होंने भी दूसरों की द्वारा दी गई सहायता के रिकॉर्ड्स दिए हैं हमें और विवरण रखे हैं दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीड इज हेल्प क्या बताया उन्होंने दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड उन्हें इस बात का भी विवरण दिया है हाउ दे नीड इज हेल्प उन्हें कितनी ज्यादा दूसरों की आवश्यकता पड़ी थी नाउ एल्स दे माइट हैव गिवन है नहीं होती उनके पास तो वो क्या करते अपना जो चढ़ाई थी उसे छोड़ देते थे छोड़ सकते थे बीच में ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस यू यू कर्स योर सेल्फ आप अपने आप को यहाँ आने के लिए स्वयं को दोष देते हो दोषी मानते हो आप यहाँ पर क्यों आए यू वंडर आप हैरान होते हो वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट एस मींस चढ़ाई क्लाइंब आप हैरान होते हो कि आपने चढ़ाई करना ascent मतलब स्वीकार क्यों किया एवर अंडर टुक क्यों आपने ऐसा सोचा कि आपको चढ़ाई करनी है देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक ऐसे कई बार एक्शन आते हैं ऐसे कई बार उस समय पल आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपको नीचे चले जाना चाहिए नीचे का आपका मन करता है बट इट वुड बी श्योर रिलीफ टू गो डाउन ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे जाना ज्यादा आसान होगा इंस्टेड ऑफ अपीक ना बट ऑलमोस्ट एट वंस टू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड लेकिन जब आप ऐसी फीलिंग से ऐसी मूड से बाहर आते हो तो क्या होता है देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अपना संघर्ष जो है त्यागने की या छोड़ने की अनुमति या परमिशन नहीं देता है योग कंपेनियन की सब विधि आपका साथी आपके बिल्कुल साथ होता है और आप उसके साथ ऊपर चढ़ते जाते हो क्या चढ़ते हो जस्ट अनदर फिफ्टी फीट क्या कहते हो सिर्फ पचास फुट और तो है और हंड्रेड हंड्रेड फुट और मे बी ऐसा होता है ना यू आस्क योर सेल्फ आप खुद से पूछते हो इज देयर नो एंड क्या ऐसा कोई अंत नहीं है यू लुक एट योर कंपेनियन आप अपने साथी तरफ देखते हो एंड लुक एट यू और वो आपकी तरफ देखता है यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर आप एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हो एंड देन विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द सम और तब without first being aware एकदम से आपको बिना जाने बिना अवेयर हुए आपको पता लगता है कि आप चोटी पर हो यानी कि चलते-चलते आपको पता भी नहीं चलता कि आपके समय चोटी पर पहुंच जाते हो एक दूसरे के साथ के साथ लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल जब आप समिट पर पहुंच कर चोटी पर पहुंच के चारों तरफ देखते हो तो आप अपने आप क्या कहते हो आप कहिएगा कि इट वाज वर्थ वाइल यह आपका भ्रम था बहुत सही था अदर सिल्वरी चांदी के समान दिखाई देती हैं। If lucky, ये शाली हो, the sun may be on them, तो उन पहाड़ियों पर सूरज चमक रहा होता है। बादल होते हैं और बारिश आने के आसार होते हैं द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक नेकलस सराउंडिंग जो चारों ओर की पहाड़ियां हैं उस शिखर के कि जिस शिखर पर आप चढ़े हो उस शिखर के गले में पड़े हुए के हार जैसे लगते हैं यानी कि उस शिखर जो है आप खड़े हो और बाकी पानियां से लगती हैं जैसे उस समिट के चारों तरफ पड़े हुए क्या है हीरो के हार हैं ज्वेल है नेकलेस बिलो नीचे यू सी वॉस्ट वाले स्लोपिंग इन डिस्टेंस नीचे देखते हो आप ऐसी विशाल घाटियां देखते हो जो दूर ढलान के रूप में जा रही हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। है सो डिस्टेंस इट इज एन एनॉपलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन अनलॉपिंग किसी व्यक्ति को पाल कर देने वाला उसे उन्मत्त कर देने वाला अनरिचिंग और मन को उज्ज्वल करने वाला यानी कि आपके मन को खुश करने वाला एक्सपीरियंस होता है टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन किसी पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ देखना यू बो डाउन आप नीचे झुक जाते हो क्या करते हो आपका जो सिर है वो झुक जाता है किसके लिए उनको प्रणाम करने के लिए एंड मेक योर ओबिसियंस टू वच अवर गॉड यू वर्शिप और आप जिस भगवान की पूजा करते हो उस भगवान के सामने आपका सिर झुक जाता है उसे धन्यवाद करने के लिए कि आप जो है इस चोटी पर पहुंच गए हो आ लेफ्ट ऑन एवरेस्ट आ पिक्चर ऑफ़ गुरु नानक मैं यानी कि जो ऑथर जो हैं वो कहाँ पर छोड़ के आए एवरेस्ट पर गुरु नानक जी की एक तस्वीर वहाँ छोड़ के आए रावत लेफ्ट आ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा उनके साथ जिनके ही थे रावत उन्होंने देवी दुर्गा के जो गॉडेस हैं उन्होंने देवी दुर्गा की जो चित्र था पिक्चर था वहाँ पर छोड़ा किसके लिए अपनी एक निशानी के तौर पर फूदोर लेफ्ट रैलिक ऑफ बुद्ध था फूदोर ने वहाँ वहाँ तो बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह छोड़ा एडमन हिलेरी हैड बर्ड अक्रॉस अंडर कैरन अप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन एडमन हिलेरी जिनके साथी थे उन्होंने क्या छोड़ा था उन्होंने चट्टानों और पत्थरों के टीले के नीचे एक क्रॉस को दबाया था इन द स्नो बर्फ में दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेफरेंस ये जो सिंबल्स थे चुने थे ये के नहीं थे जीत के नहीं थे लेकिन किसके थे ये आपके सम्मान के किसके प्रति एवरेस्ट के प्रति एवरेस्ट के प्रति सम्मान था आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसके प्रतीक थे उसके सिंबल्स थे सिम्बल्सिटेज जो कम्प्लीटली समिट पर चढ़ने का जो अनुभव है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है देयर इज अनदर समिट तब एक दूसरा समिट एक दूसरी चोटी है ये आपके अंदर है और इज़ इन योर ओन माइंड यह आपके अपने मन में अपने माइंड में है दिमाग में है ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ओन माउंटेन पीक प्रत्येक मनुष्य के यानी कि हर जो मानव है वो अपने अंदर एक माउंटेन पीक यानी कि एक पर्वत शिखर की चोटी लिए घूमता है अर्थात आपकी इच्छाएं जो हैं आप लोगों के जितने भी विचार हैं उन सबका एक अंत है एक शिखर है मतलब आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो आपके जो सपने हैं वहाँ उस पर उन्हें अचीव करना चाहते हैं He must climb it to reach to it to a fuller knowledge of himself. तो क्या है ही मस्ट क्लाइम उसे पहुंचना चाहिए किस में पहुंचना चाहिए अपने पूरे फुल नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ अपने पूरे ज्ञान के साथ अपने पूरे आत्म ज्ञान के साथ उस व्यक्ति को अपने उस शिखर पर पहुंचना चाहिए उस शिखर पर वह पहुंचता भी है जो व्यक्ति मेहनत करता है अपने सपनों को जीता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करता है भी है एंड अनस्किल पहुंच जाना भी बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा असंभव लगता है इट कैन नॉट बी क्लाइं इस पर आपके अलावा कोई और दूसरा जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकता इस पर दूसरा जो अलावा व्यक्ति है वो उस पर उस चढ़ाई को नहीं चढ़ सकता योर सेल्फ है स्वयं से करना होता है द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समय आउटसाइड इज the 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 act of climbing mountain फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइम्बिंग शारीरिक रूप से चढ़ना यानी कि किसी अनुभव है वो किसके जैसा है अकििन उसके समान है किसके समान है act of climbing the mountain विद इन अपने अंदर के जो mountain है अपने अंदर जो शिखर है उस पर चढ़ने के समान है यहाँ देखो यह पिक्चर बनी हुई है दिखाया गया पिक्चर में कैसे वो आप ऊपर चढ़े फ्लैग लहरा रहे हैं वो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द द क्लाइम्स आर सेम दोनों ही चढ़ाइयों के जो इफेक्ट्स हैं दोनों ही चढ़ाइयों के जो क्या है परिणाम हैं वो एक जैसे हैं वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल चाहे तो वो चढ़ाई आपकी फिजिकल है शारीरिक रूप से है और यह आपकी भावनात्मक है या दैविक है आध्यात्मिक है द क्लाइंब विल सडनली चेंज यू वो चढ़ाई आपको निश्चित रूप से बदल देगी इट इज इज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ ये आपको पूरे विश्व के बारे में और ये अपने बारे में बहुत सारा क्या देगी आपको शिक्षा देगी आपको ज्ञान देगी आई वेंचर टू थिंक दैट एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर है इंस्परेशन टू फेस लाइफ ऑलियस रिजोल्यूटली आई थिंक मैं ये सोच पा रहा हूँ सोचने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस है वो एवरेस्ट पर चलने का जो मेरा अनुभव है उससे मुझे क्या दिया है उसमें इंस्पिरेशन दी है क्या प्रेरणा दी है टू फेस अ लाइफ्स ऑडियल्स जीवन के अपनी ज़िंदगी हैं उस जीवन के ऑलडियल्स यानी कि जो कठिनाइयाँ हैं जो पेनफुल एक्सपीरियंसिस हैं उनका सामना करने के तो सोल्यूलिटी उनका सामना करने की मुझे इंस्परेशन देते हैं प्रेरणा देते हैं क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्ल्ड वाइल्ड एक्सपीरियंस पर्वत चढ़ना बहुत ही वर्द वाइल यानी कि बहुत ही सार्थक अनुभव था द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्द वायल कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल आपकी आंतरिक जो चोटी है उस पर जीत प्राप्त करना भी इक्वली वर्द वाइल यानी कि वो भी उसके जितना ही सार्थक है उतना ही सही है द समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट जो आपकी आंतरिक शिखर हैं वो शायद एवरेस्ट से भी जो आपकी चोटियाँ हैं वो एवरेस्ट से भी ऊंचे है, हैं Yes, students. Here our lesson ends. So, I hope all of you have understood it very well. Do like, share, and subscribe my YouTube channel, Sirivisuman. Thank you.